इस टाइम ना जा रहे हैं भाई हमजा के पास और ये दूध की बोतल लेके जा रहे हैं उनके लिए गिफ्ट। मैंने लेट इसलिए कि अभी वसीम को लेके जाना था, अभी स्कूल से उठाया और जा रहे हैं अभी कहाँ, हमजा के पास भाई। ये चोलिस्तान से आ रहे हैं ऊँट लेकर। ये देखें ये माल मवेशी है, ये भी चोलिस्तान से आ रहे हैं, ये आगे हैं वो भी। हो चुकी है तो शेव करवाते हैं आज कुछ सेटों से, क्योंकि अभी जाना भी है दोस्तों के पास और अभी बाबा वालों के पास भी जाना, तो ये ऐसे हालात हो चुकी है। कितना दिन हो गए फ्रेश नहीं हुए, आज फ्रेश होते हैं। मैं मिला है आज, जैसे आए तो कौन मिला है, वाह जा 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 ना ना क्या है, वसीम के पास नहीं जा रहा। बोलो कहाँ गया तेरा अबू? अरे भाई खजूर खा रही, वाह क्या हाल है जी, बड़ा घूम शूम क्या। अरे भाई मार दिया भाई, क्यों भाई क्यों मार क्यों रहे भाई हमजा, बुरी बात है यार। मीर भाई सॉरी यार, आओ क्या मेरे पास आओ। मेरे साहब अहमदा साहब, मंजा साहब क्या हाल है, ठीक हो? यूट्यूब फैमिली को सलाम करो। चलो जी आप घूम फिर के आ गए, हाँ चलो ठीक है। हमजा की जिद थी कि मैंने मिठाई खानी है, तो वो भी शॉप पर गए वो और वसीम मिठाई लेने, तो उसमें क्या खाना थी, गुलाब जामुन, तो वो लेके आता है, फिर चलते हैं घर की तरफ। ले लिया, चले चले वसीम। हमजा क्या लिया है? गुलाब जामुन। अभी तो मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, और भाई अबू को मेरे सलाम कहना, ठीक है? वहाँ किसको दुआ को सलाम दोगे, डीडी को, सबको, हाँ वादिया को, ओके हाँ करो ना यार, ठीक है ओके। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ताला सबको सारा अहमद पहुँचाए भी कराची आपको, ठीक है। चलो जी बताओ, इस टाइम मैं जा रहा हूँ अहमदपुर शहर के, उसके बाद जाएंगे हम बहावलपुर, रात का खाना हमारा वहीं दोस्तों के साथ है। तो अभी हम मैं जा रहा हूँ अहमदपुर शहर के पास से दिलशाद चन्नड़ को लेके, नज़ीर चन्नड़ साहब के पास हमने जाना है, तो रात किसी टाइम मैं पहुँचूँगा अहमदपुर। अभी बज रहे हैं क्या भाई, 4 हो रहे हैं, तो ये देखें भाई अहमदपुर किस टाइम पहुँचता हूँ, आज कितना घंटे हैं, टाइम देख के चल रहा हूँ, तो आप के साथ साथ रहिएगा। चलो जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमदपुर शहर के पहुँच गया हूँ, तो यहाँ से पीते हैं क्या भाई, कोई यखनी वगैरह पीते हैं अंडे वाली, उसके बाद फिर वो दोस्त भी आ रहा है, उसके बाद हमारा सफ़र है आगे बहावलपुर की तरफ। जब तक भी मैं तकरीबन पहुँच गया हूँ मैं 1.5 घंटे में, तो बस अभी दोस्त के इंतज़ार कर रहा हूँ दिलशाद चन्नड़ की, पहलवान की, वो आएगा फिर हमारा सफ़र 100 किलोमीटर और भी रहता है। मैंने बहुत मशहूर यखनी मिलती है हमारे अहमदपुर शहर के में, तो यखनी पीते हैं अंडे वाली, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये चटपटी अंडे वाली और बेहतरीन ऊपर से मसाला है, खाते रिव्यू करते भी कैसी बनी है। जो अक्सर ना लेट कर देता है मुझे दिलशाद चन्नड़, यार बहुत लेट कर दी यार। और कौन क्या खाते हैं शाह से शीखों वगैरह, थोड़ा गर्म होते हैं फिर दोस्त के पास जाते हैं, तो ये गर्म गर्म शीखे हम जब भी आते हैं तो यहाँ पास खाते हैं, शीखे आ गई शीखे खाते हैं उसके बाद खाते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहावलपुर जहाँ पहुँचना था पहुँच गया हूँ, तो अभी खाते हैं खाना, उसके बाद फिर गप्पे शप्पे दोस्तों के साथ लगाएंगे। सलाद में ये दाल और भी चिकन और बिरयानी, बस जैसे मतलब मेरा दोस्त ये बैठा है जो नज़ीर अहमद चन्नड़ और उसका बेटा है क्या बेटा, और ये मेरा दोस्त दिलशाद चन्नड़, तो फिर गप्पे शप्पे लगाते हैं, पहले खाना खाते हैं उसके बाद फिर गप शप लगाएंगे। तो फैमिली यहाँ जो मस्जिद में स्पीकर और भी यहाँ पहले लगते थे, अभी वहाँ पहुँच गए, और ये अहमदपुर शक्की है जहाँ ये मिलते हैं हमारे मार्केट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी यूट्यूब फैमिली, लकरस्त रहो बस्त रहो आबाद रहो शाद रहो, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता और मुस्कराता रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। चलो जी तो मैं बहावलपुर अपने दोस्तों से वापस आ चुका हूँ घर में, अभी शहबाज और उसके बच्चे भी आए हुए अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाबर साहब चले गए मुझे नहीं मिल सके भाई, बड़े बंदे हैं इस्लामाबाद तक गए मुझे नहीं मिले, वो मैं खान मैं गया तो वो खानपुर गए हुए थे, शहर बच्चों से मिल के आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब मैं आने लगा तब मुझे मिले थे, लेकिन फिर वो भाई ग़ुलाम मद के पास चले गए, उन्होंने बुला लिया, फिर मैं लेट हो रहा था घर आ गया, वो माशाल्लाह
अब तो पहुंच गए कराची। तो वो बाबर साहब से मैंने जब पूछा, भाई वो गिफ्ट शिफ्ट की वाली बहुत बातें हो रही है, तो उसने कहा चाचू मैंने तो लिफाफे में जैसे हम देते रहे सतारा में देती थी, हमने वैसे ही लिफाफे में उसे गिफ्ट दिया था। तो खैर सतारा बेटी ने अब तो मेरे ख्याल में दिखा दिया है। तो बस इतना ही। तो जी बहुत सारी बातें हो रही हैं भाई 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 भाई, ये रुबीना भाभी के बारे में कि ये भाई किस कहां से आईडी लीक हुई और किसने बनाई, क्या हुआ। जब आप लोगों को यार दिमाग क्यों नहीं भी सोच करते, भी यहाँ दिमाग में सोचे ना। तो भाई भाभी साहब जब सऊदी अरब गई थी बड़ी बाजी के पास, छोटी बाजी के पास यानी कि बड़ी बाजी के पास, तो वो उसका जो थंबनेल था, जो मोबाइल का काम था, इंस्टाग्राम ये वो एडी शेडी बनाना सब कुछ, तो वो तमन्ना साहब ही करती थी मेरी यानी पोती। तो ये सब जो एडी बनाना और जो है ना रंग में भंग डालना, ये तमन्ना साहब का ही काम है, उन्होंने ही किया है। क्योंकि जब भी कोई खुशी होती है सितारा के यहाँ, तो कोई ना कोई एक नया कट्टा खोलते हैं ये, भाई वो खुशी लोग भूल जाए और दूसरी बात को शुरू हो जाए, ताकि उसकी खुशी को ख़राब करना सितारा का इन लोगों का मिशन है। तो अब इन लोगों ने मैसेज भेजा, मतलब भाई किसके रुबीना इंस्टाग्राम, भाई भाभी रुबीना को तो पढ़ना लिखना मेरे तरह आता नहीं है, वो भी मेरे तरह अनूठा छाप ही है। तो ये जब सऊदी अरब उन लोगों ने बुलाया था और ये सब काम इसके थम शम बनाना और सब एडी शेडी हर चीज़ का पता तमन्ना साहब और सलमा साहब को भी था, लेकिन और कोई उन्हें चारा तो नहीं चला भी इनके रंग में भंग कैसे डाले। तो भाई उन्होंने ये मैसेज भेज दिया कर दिया, लेकिन अब गंदा कौन होगा, सलमा साहब नहीं होगी, रुबीना साहब होगी ना, तमन्ना का नाम आएगा, सांप भी मर जाएगा लाठी भी बच जाएगी। तो ये है जी, आप लोग को मैंने बताना ज़रूरी था, मैं बावलपुर गया था, नहीं तो मैं कल भी बता देता आप लोगों को, जैसे मुझे पता चला आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ भाई ये तमन्ना साहब के ही काम है। तो उन्होंने एक नई आग नई शोषण छोड़ी है। तो कुछ देर पहले आशा साहब ने अपने बाप की वो हेटरो की लाइफ लगाया, मतलब वो शो कर दी थी। तो ये बच्चे ही कर देते हैं, इन्हीं के बच्चे ही करते हैं, लेकिन ये नाम लेते हैं दूसरों का, खुद पर दूसरों की कंधे पर बंदूक चला देना ठीक है, और खुद बच जाना भी, मुझे क्या पता उसके कंधे पर बंदूक थी, मुझे क्या पता किसने गोली चलाई है। तो गोली वहाँ से चलती है सऊदीया से, तो लगती किसी और को जाके, क्या निशाना है भी इनका, खूब निशाना है भाई। सलमा साहब आपका भी, आपकी बेटी का भी, आपके घर वाले का भी, क्या बात है भाई, किसी को फंसाना तो आप लोगों से पूछें। तो मेरी YouTube फैमिली भाई, मैंने यही बस थोड़ा सा ये आप लोगों को रिव्यू देना था और बताना था, भाई ये सीधा तीर उनका चलाया हुआ है, भाई खुशी जो है सितारा की देख नहीं सहे वो, इसलिए उस खुशी से जलते हैं जलते हैं अरमान, मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मेरा व्लॉग बहुत लंबा है और छोटी सी बात मैंने करनी थी वो की, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय टाटा, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ माने रखे। मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अच्छे कमेंट्स और भी शेयर भी कर दीजिएगा, चाचा को बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, थैंक यू।